कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं भूगोल का आपको है ना ऐसा पेपर बताऊंगा ना कि 65 नंबर पक्के गारंटेड। यदि 5 मिनट में आपके 65 नंबर पक्के हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो कंप्लीट। 2 मार्च के दिन पेपर है हमारे सभी बच्चों का, तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? पुष्प उत्पादन कहलाती है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? 121 करोड़। ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषता है, तो देखो ग्रामीण बस्तियां जो होती है ना छोटी होती है, बिल्कुल साफ छोटा सा गांव है हमारा। तो प्राथमिक क्रियाकलाप हाँ खेतीबाड़ी संबंधित काम होते हैं, कम गतिशीलता होती है, और ये सभी सारे के सारे गुण बस्तियों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र कौन सा है? सिंगरौली। किस वर्ष योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया? तो 2015 में। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और ये 2 रहेगा, हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 4 है, 5, 6 है। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है? तो बांग्लादेश। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक कैसा है? जीवन प्रत्याशा। कच्चे माल पर आधारित उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार में विभाजित होते हैं। प्रमोद के उद्देश्यों से की जाने वाली यात्रा पर्यटन कहलाती। भारत में विशालतम भाषाई समूह भारतीय आर्य है। भारत में चीनी का दूसरा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, हो गया इतना। इसके बाद ये यहाँ पर अगला देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हो जाएगा। नवनिश्चयवाद का जाएगा रुको और जाओ। अंतर्राष्ट्रीय संचार का आपका आ जाएगा यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह। भारत की वार्षिक वृद्धि दर तो ये 17.64%। अलग अलग इकाइयों में बसी हुई बस्तियाँ पूर्वे। बहुउद्देशी नदी घाटी परियोजना का आ जाएगा आपका भांगड़ा नागल सतलुज नदी पर। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। एंथ्रोपियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? फ्रेडरिक रेट जेल ने की थी। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि के किस प्रकार ज्ञात की जाती है? प्राकृतिक वृद्धि बराबर है जन्मदर माइनस मृत्यु दर। मानव विकास का उद्देश्य क्या है? देखो ज्ञान की प्राप्ति के अवसर एवं वांछनीय जीवन स्तर। वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप। कृषि किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग। तो जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चों का है वो देख लीजिए आप ध्यान से, कंप्लीट करिए आप अच्छे अंक प्राप्त करो, यही हमारा उद्देश्य। सत्य असत्य है तो यहाँ पर आपके संपूर्ण सत्य रहेंगे, बढ़िया से कंप्लीट करना है पढ़कर, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 में भी पूरे सत्य रहेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 पेपर दे रहा हूँ, वो 6 पेपर कंप्लीट करने पड़ेंगे, अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जलवायु किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है? मानव विकास सूचकांक क्या है? ये ट्रक कृषि क्या होती है? गहन निर्वाह कृषि तथा विस्तृत वाणिज्य कृषि में अंतर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है, ये 11 हो गया है, हो गया 11 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका अथवा 11 का क्वेश्चन 12 है। 13 वायु प्रदूषण से होने वाली कोई 2 बीमारियां लिखिए। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? कुटीर उद्योग की विशेषता है। स्वेज नहर के महत्व को बताइए। भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय। भारत जनसंख्या की सामान्य विशेषता है। बंजर तथा कृषि योग्य भूमि में व्यर्थ भूमि में अंतर। आलोक धातुओं के नाम लिखिएगा और उनके स्थानिक वितरण की विवेचना।